केंद्र सरकार रिलायंस और अदानी ये जो कारपोरेट घराने हैं जिनके लिए मोदी सरकार ये सब कुछ कर रही है उनके पुतले फूकेंगे। ये सब के सब अनपढ़ है या इनको समझ नहीं है, केवल समझ प्रधानमंत्री जी को है, ये बात ठीक नहीं है। तो इस रोष को आक्रोश में बदलने से बचा लीजिए। मोदी जी अभी समय है, सरकार हमारे लिए है, सरकार हमारी है, हमारी सरकार को आप हमारी बड़े रहने दीजिए। कोई राजनीति नहीं करनी, सभी पार्टियों के लोगों के साथ मिलके भारतीय बनके किसानों की सेवा करनी है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि किसानों को सभी मांगे किसानों की तुरंत मानी जाएं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने सरकार से बातचीत के बाद कहा है कि सरकार उन्हें पार्टी की कोशिश कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि किसी भी हाल में कृषि कानून रद्द होने चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन और तेज होगा और दिल्ली के बाकी बॉर्डर भी सील कर दिए जाएंगे। किसान नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार की जो साजिश थी ये सिर्फ पंजाब के लोगों का ही प्रदर्शन है, इसे हमने विफल किया है, हमने इसे देश के आंदोलन के रूप में सरकार के सामने रखा। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने पहले जहां हमें बांटने की कोशिश की, वहीं अब इस मुद्दे को टालने की भी कोशिश कर रही है। बैठक के बाद सरकार की कोशिश ये थी कि संगठनों को आपस में ही डिवाइड कर दिया जाए, इस साजिश को कल नाकाम किया गया। किसान नेताओं ने कहा कि वो सरकार को साफ कर चुके हैं कि कोई भी छोटी कमेटी नहीं बनाई जाएगी। पंजाब के किसान संगठनों ने तय किया है कि वो सरकार को हर कानून का अलग अलग से बिंदुवार ब्यौरा देंगे और बताएंगे कि कैसे ये बिल किसान विरोधी है। किसानों ने कहा कि इसके बाद अगर सरकार इन्हें नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार तुरंत स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाए और इन तीनों कानूनों को खत्म करे। वहीं किसानों से मुलाकात को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन को जो ड्राफ्ट देना था वो देर रात तक आएगा, हम इंतजार में हैं, जब उनका ड्राफ्ट आएगा तो हम कल उस पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों को भी मैं पहले भी अनुरोध करता रहा हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वो चर्चा से ही हल निकालें, और चर्चा तो चली रही है और हमारी कोशिश है कि जल्दी समाधान हो। देखिए चर्चा हुई है, कुछ विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन जब तक क्लॉज वाइज क्लॉज एक्ट पर चर्चा ना हो और वो एक्ट कैसे किसानों के विरुद्ध है, उसका कौन सा क्लॉज विरुद्ध है, वो तभी तो दिशा आगे बढ़ेगी ना। नहीं नहीं, मैं सभी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में हैं और लंबे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं, इनमें किसानों का हित है। लेकिन किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने फिर मुलाकात के लिए बुलाया है, लेकिन अगर कानून रद्द नहीं किए जाते हैं तो टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और तमाम जगहों पर प्रदर्शन जारी रहेगा, साथ ही ये पूरे देश में फैलेगा। किसानों ने फिर एक बार सरकार को चेतावनी दी कि वो दिल्ली के सभी बॉर्डर पूरी तरह से सील कर देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया कि उन्हें देश भर के कई राज्यों के किसानों का भी समर्थन मिल रहा है। ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें हरियाणा ने शुरुआत की, पंजाब ने लीड किया और पूरे भारत के देश के किसान इसमें जुड़ गए। इसे किसान आंदोलन का नाम दिया जा रहा है जबकि यह जन आंदोलन है। यहाँ हर प्रकार की संस्था हमारी मदद करने आ रही है, टैक्सी यूनियन, ट्रक यूनियन, तमाम संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं सभी साथ जुड़ रही हैं और भावनात्मक तौर से हमारी मदद कर रही हैं। हम सरकार को कहना चाहते हैं, आप अभी तक भी समझ नहीं पाए, ये किसानों में इतना रोष है, जन में इतना रोष है, इतना आक्रोश है, इस रोष को आक्रोश में बदलने से बचा लीजिए। हमारा मोदी जी से आग्रह है, अभी भी समय है, मान जाइए, तीनों काले कानून वापस ले लीजिए, अन्यथा हमें कोई सख्त कदम लेने पे मजबूर मत करिए। किसान नेताओं ने कहा कि 3 दिसंबर के दिन भोपाल गैस कांड हुआ था, इसलिए हम किसानों ने तय किया है कि इस दिन को अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के खिलाफ इस दिन को मनाया जाएगा और पूरे देश भर में इसका विरोध होगा। साथ ही 5 दिसंबर को इस मामले को लेकर पूरे देश में पुतला दहन का कॉल भी किया गया है। केंद्र सरकार रिलायंस और अदानी ये जो कारपोरेट घराने हैं जिनके लिए मोदी सरकार ये सब कुछ कर रही है उनके पुतले फूकेंगे, और ये आंदोलन ये ताकत। और हम लोग ये भी बताना चाहते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के तहत सरकार ये ध्यान में रखे कि अब कल 3 तारीख है, आपको आखिरी चांस है कि आप सभी के साथ बहुत
शांतिपूर्वक तरीके से इन कानूनों को रद्द करिए और लोगों के हक की बात करिए, अन्यथा यह आंदोलन देश में बहुत बड़ा रूप लेगा और तब आपकी सरकार नहीं बचेगी।